तो भाई राम राम, कैसे हो भैया? आपका नाम? शबीर जी। सही, शबीर जी। तो भैया ये पीछे आपने जो बनाया है कच्चा, यानी कि ये जो छपरा टाइप है, इसके अंदर आप अपनी भैंसे वगैरह रखते हो? सही सही, भैंसे रखते हो। तो भैया इधर आपको हुकूमत की तरफ से कोई परेशानी वगैरह तो नहीं होती ना? सही सही, यानी कि इधर के जो हुकूमत के फंड वगैरह आते हैं वो भी आपको मिलते हैं? सही सही, बहुत अच्छा। तो फ्रेंड्स ये भी देख सकते हो, इधर भी हमारे हिंदू भाई बैठे हुए हैं, यानी कि काम काज कर रहे हैं, गाय वगैरह का चारा वगैरह डाल रहे हैं, क्योंकि शाम का टाइम हुआ ना इस करके, तो शाम वाला चारा डाल रहे हैं ये गाय को दोस्तों। और ये गली भी हमारे हिंदुओं की गली है, यानी कि इधर भी सारे आजू बाजू हिंदू लोग ही रहते हैं दोस्तों। ये भी हमारे हिंदुओं का घर है, तो अंदर चलते हैं। तो छोटे राम राम। जय श्री राम। कैसे हो छोटे? ठीक। आपका नाम? सनी देओल। सनी देओल, सही, सनी देओल है। और ये इनका घर है, देख सकते हैं दोस्तों। और ये इनका यानी के जानवर वगैरह रखे हुए हैं, भैंसे, और ये मुर्गा है, और ये भाई सामने है। तो भाई राम राम, कैसे हो भैया? आपका नाम? शबीर जी। सही, शबीर जी, आप इधर रहते हो? रहते हैं। सही, ये जो पीछे कमरा, ये हाल बनी हुई है, यानी के कच्चे छत वाली, आपका है? ये आपकी, हमारी है। अच्छा, आपका है। सही सही, बहुत अच्छा। और ये इन्होंने ना कपड़े सुखाए हुए अपने बच्चों के, और ये इनके गाय, इनके भैंसे। तो शबीर भैया, आपके इधर कितना अरसा हुआ है? अरसा बहुत हो गया। कितना हो गया? कोई 8-9 साल। 8-9 साल हो गए। सही सही, बहुत अच्छा। तो इधर यानी कि आप रहते हो महंगाई के लिहाज से, तो आपका कैसे गुजारा चल जाता है? गुजारा सही जी चल जाता है। सही करते हैं। दिहाड़ी क्या, काम काज करते हो? काम क्या करते हो आप? अच्छा, यानी कि कमरे वगैरह बनवाते हो? कमरे। सही सही, यानी कि मजदूरी टाइप करते हो? मजदूरी करते हो। सही सही। तो ये देख सकते हो दोस्तों, मुर्गी के बच्चे, और ये भी आपकी है ना मुर्गी शबीर भैया? सही सही, सारे। ये जो पीछे कमरा आपने नया बनाया है क्या? ये नया बनाया। सही, ये नया कब बनाया आपने? ये फोन जी बनाया, महीना हो गया। एक महीना हो गया है। सही सही, बहुत अच्छा। तो फ्रेंड ये देख सकते हो, ये है ना शबीर भाई ने अभी बनवाया, और ये बाइक है शबीर भाई की। तो ये बाइक भी आपकी है ना शबीर भैया? तो भैया ये पीछे आपने जो बनाया है कच्चा, यानी कि ये जो छपरा टाइप है, इसके अंदर आप अपनी भैंसे वगैरह रखते हो? सही सही, भैंसे रखते हो। और इधर आना भैया, ये टैंकी पानी वाली है क्या? ये पानी। सही सही, ये पानी वाली टैंकी। और ये मोटर भी आपने अभी लगवाई है क्या? नहीं, इसको महीना डेढ़। तो इधर आपके बिजली है? बिजली भी है। सही सही, बहुत अच्छा। तो इधर बिजली भी है दोस्तों, और ये इनका यानी कि हॉदी और वाशरूम, यानी कि टॉयलेट पड़ा उधर लगाया है उन्होंने। सही सही। और ये इनके इधर अपने ना भैंसे वगैरह और बकरियां वगैरह रखते हैं ये रात के वक्त। ये देख लो, ये बहुत ही कच्चा टाइप बना हुआ है, कभी हवा तेज हुई तो ये यानी कि गिर सकता है। साफ जारी बात है भैया। और ये छोटा है ना बकरी का बच्चा है, देख लो। तो भैया आपके इधर गैस वगैरह का इंतजाम नहीं है? गैस नहीं है, तो इस करके ना इन्होंने लकड़ियाँ वगैरह, देखो कैसे, ये कैसे भाव लेके आते हैं आप? ये लेके आते हैं 600 मन। 600 रुपये मन? हाँ। सही सही, देख लो, ये बहुत ही लकड़ियाँ यानी के 600 रुपये मन लेके आते हैं। और ये इनका यानी के चूल्हा बनाया हुआ, इधर ही रोटी और चाय वगैरह इधर ही पकाते हो ना भैया? सही सही। तो इधर बारिश वगैरह आती हो तो आप तंग तो होते होगे? तंग तो होते हैं। सही सही, बहुत दुखी है ना इसका। फिर भैया ये जो बोर्ड लगवाया आपने, ये कब लगवाया? ये हो गया 10 साल। 10 साल, यानी कि आपके मीटर लगवाए हो कभी 10 साल हो गए। तो ये पिंजरा जो है ये मुर्गियों का है क्या? सही सही, बहुत अच्छा। बशीर भैया, ये भैंस लिए हुए आपको कितना अरसा हुआ है? 6 महीने। सही सही, 6 महीने। तो आप सिरगट वगैरह भी पीते हो? सही सही। तो इधर सिरगट कैसे मिलता है? इधर से मिलते हैं 240। 240 सिरगट? डब्बी 40। 240 की एक डब्बी? डब्बी के अंदर कितने सिरगट होते हैं? 20 सिरगट। तो दोस्तों इतनी महंगाई है, क्या बताएं, ये भाई मजबूर है ना इस करके। तो ये भैंस का बच्चा है, देख लो कैसे सो रहा है, और ये इसके अंदर है ना चारा खाता है, और नीचे देखो मुर्गियां खड़ी हुई है, और इधर इन भाइयों ने ईंटें रखी हुई है, और ये इनके कपड़े सूख रहे हैं दोस्तों, और ये इनका कमरा है देख लो। तो अंदर चल के हम आपको कमरा दिखाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो, ये इन भाइयों का कमरा। तो इधर बोर्ड लगाया हुआ है इन्होंने, और ये टीवी रखा हुआ है ना? टीवी और यानी के रिसीवर यानी के आप डिश वगैरह पर चलाते हो? डिश चलाते हो। और ये देखो छत, जो कि बहुत ही कच्ची बनाई हुई है इन भाई ने। तो शबीर भाई ये पीछे ढोल है, तो ये आप ढोल भी बजाते हो? ढोल भी बजाते हैं। सही, ढोल आप यानी के पार्टी वगैरह और शादी ब्याह में? शादी वगैरह में। सही सही। तो ये बच्चे आपके हैं सारे? ये आपके, हमारे बच्चे। अच्छा अच्छा, सारे आपके हैं। सही सही, बहुत अच्छा। तो आपका नाम क्या है भैया? सनी देओल। सनी देओल। आपका दीदी? दिव्या। दिव्या,
आपका सुमन। सुमन और इस छोटे बच्चे का विराट। विराट, विराट कोहली। वाह 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 वाह, क्या नाम रखा है भैया इसने। तो ये इनके इनके चार पहिया पड़ी हुई है, इधर सोते हो ना रात के वक्त आप। सही, तो ये इनकी कच्चा यानी के छत लगाया हुआ है। तो इधर जब बारिश आती है तो अंदर पानी आता है? नहीं आता। नहीं आता, सही सही। तो यानी के इधर आपने उसके ऊपर छापर रखा हुआ है ना? सही सही, बहुत अच्छा। तो भैया इधर आपको हुकूमत की तरफ से कोई परेशानी वगैरह तो नहीं होती ना? सही सही, यानी के इधर के जो हुकूमत के फंड वगैरह आते हैं वो भी आपको मिलते हैं? सही सही, बहुत अच्छा। तो वो फंड महीने बाद या तीन चार महीने बाद आते हैं? 3 महीने के बाद आपको फंड मिलता है? सही सही, बहुत बहुत अच्छा। तो भैया ये कौन सी क्लास पढ़ता है? पाँचवीं में। आप पाँचवीं में पढ़ते हो? सही, फाइव क्लास में पढ़ता है। और ये दिव्या बहन? ये दो यानी के सेकंड क्लास में। सही सही, ये फाइव क्लास में और ये दिव्या बहन सेकंड क्लास में। सही, और ये बच्चा पैसे मांग रहा है क्या आपसे? सही सही, पैसे मांग रहा है इस भाई से। देख लो दोस्तों, तो आप दे दो ना इन्हें पैसे भैया। क्या इधर हमारे सारे लोग हिंदू मुस्लिम साथ रहते हैं? सही सही, कोई आपको तंग वगैरह तो नहीं करता ना? सही सही, बहुत अच्छा। तो देख सकते हो ये इनका घर था दोस्तों। तो शबीर भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें तारुफ कराया अपना। तो सब भाइयों को मेरी तरफ से जय श्री राम। जय।